अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियम के कार्सिनोमा की। दो तरह के इसके कार्सिनोमा होते हैं। हमने मॉर्फोलॉजिकली हमने एंडोमेट्रियम के जो कैंसर्स होते हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक टाइप वन और एक टाइप टू। जो टाइप वन है इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रॉइड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, वेरस जो टाइप टू इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिरस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इनका जो डिफरेंस का जो टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को हर हाल में याद रखना है। इस टेबल को भी मैं एक तरफ से गो थ्रू कर लेता हूँ क्योंकि इट इज़ इंपॉर्टेंट। एज क्या देखी गई है, जो टाइप वन की है इट इज़ यूजली जो वुमेन बिटवीन 55 to 65 ईयर्स की होती हैं उनको होते हैं, वेयर है 65 to 75 ईयर्स की जो फीमेल होती हैं उनमें टाइप टू का कैंसर होता है। क्लिनिकल सेटिंग्स क्या देखी गई हैं, हम टाइप वन की अभी हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी तो यही है कि टाइप वन में एंडोमेट्रियॉइड मिलता है और टाइप टू में हमको सिरस, क्लियर सेल और मिक्सड मलेरियन टाइप ट्यूमर्स मिल सकते हैं। ये तीन डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज मिलती हैं, लेकिन हम इसमें जो बात करेंगे वीडियो में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिरस की बात करेंगे। क्लिनिकल सेटिंग्स ये देखी गई हैं कि सिंस जो टाइप वन होती है उसका जो प्रिकर्सर लीजन होता है दैट इज़ योर ए टिपिकल हाइपरप्लेजिया, जो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ रहा था, और जो हाइपरप्लेजिया के रिस्क फैक्टर्स थे बेसिकली वही सारे रिस्क फैक्टर्स टाइप वन के होते हैं कि अनअपोस्ड एस्ट्रोजन की एस्ट्रोजन मिल रही हो, ज़्यादा एक्सोजीनस एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन वो एस्ट्रोजन की वो मिल रही हो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओबिसिटी हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, और जितने भी सारे रिस्क फैक्टर्स थे ना बेसिकली एटिपिकल हाइपरप्लेसिया के, ये सारे हम रिस्क फैक्टर्स में डाल सकते हैं एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए। वेरस जो सीरस होता है उसमें ये देखा गया कि देयर इज़ यूजली एट्रोफी एंड थिन फिजिक, क्या कहते हैं, ये क्लिनिकल सेटिंग्स देखी जाती हैं। और उसका प्रिकर्सर लीजन हम अभी पढ़ेंगे। इसका जो प्रिकर्सर लीजन होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज EIC विच इज़ एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा। म्यूटेटेड जीन्स इन्होंने सारी इंपॉर्टेंट बताई हुई, लेकिन में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका नाम हर हाल में याद रखना है वो मैं बता देता हूँ कि टाइप वन की जब हम पढ़ेंगे तो P10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ARID1A, PIK3CA विच इज़ PI3K एंड KRAS, और जो DNA रिपेयर की जीन्स होती हैं जिसमें MSI आ जाते हैं, माइक्रो सेटेलाइट इंस्टेबिलिटी। ये जो पांच हैं, इन पांच को हर हाल में याद रखना होगा, P10, ARID1A, PIK3CA, KRAS और MSI को। वेरस जो टाइप टू है, टाइप टू में जो हमने हर हाल में सिर्फ एक याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर हाल में याद रखनी है वो TP53 याद रखनी है, क्योंकि हम जब भी आगे देखेंगे 90% ऑफ द टाइम TP53 की वजह से ही हमको सिरस, TP53 के लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से ही हमको सिरस टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा मिलता है। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर ज़्यादातर ये देखा गया कि टाइप वन की जो प्रोग्नोसिस हम अभी आगे पढ़ेंगे वो काफ़ी अच्छी है, उसका बिहेवियर इंडोलेंट होता है। वेरस जो टाइप टू है, टाइप टू की जो बिहेवियर इट इज़ काफ़ी एग्रेसिव, इसका ज़्यादातर स्प्रेड भी होता है इंट्रा पेरिटोनियली एंड थ्रू लिम्फेटिक्स, एंड कभी कभी इसका थ्रू ट्यूब्स के थ्रू भी इसका स्प्रेड देखा जाता है। एंड ये है कि जो इसकी प्रोग्नोसिस होती है वो काफ़ी वर्स होती है। और अलग से जो दो डिफरेंसेस इसमें नहीं लिखे हुए, जो टाइप वन है इट इज़ मोर कॉमन, अराउंड 80 to 85% फीमेल्स को टाइप वन होते हैं, वेरियस जो टाइप टू है, टाइप टू इज़ लेस कॉमन, वो ज़्यादातर 15% केसेस में देखा जाता है। तो एक हम ये भी डिफरेंस डाल सकते हैं। इन्होंने इसमें अलग से मोलिकुलर सब टाइप्स बताई हुई हैं चार, ये अगर नहीं याद हो तो ठीक कोई मसला नहीं, कि मैं इनको गो थ्रू कर लेता हूँ कि ये जो ट्यूमर्स होते हैं टाइप वन और टाइप टू के, एक तो हमने इनको मॉर्फोलॉजी में क्लासिफाई किया था टाइप वन टाइप टू, अब इनको अगर हम उसमें क्लासिफाई करें मोलिकुलर सब टाइप्स में, देन अल्ट्रा म्यूटेटेड ट्यूमर्स आ जाते हैं जिसमें हम बेसिकली देखेंगे कि देयर इज म्यूटेशन ऑफ द DNA पॉलीमरेज का एप्सिलॉन पार्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज पोल ट्यूमर्स। हाइपर म्यूटेटेड ट्यूमर्स आ जाते हैं जिसमें बेसिकली माइक्रो सेटेलाइट इंस्टेबिलिटी, जो DNA मिसमैच रिपेयर जो मिसमैच रिपेयर की जीन्स होती हैं उनकी बेसिकली या तो म्यूटेशन हो चुकी होती है या उनकी एपिजेनेटिकली थ्रू हाइपर मेथाइलेशन साइलेंसिंग हो चुकी होती है। कॉपी नंबर लो विच इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रो सेटेलाइट स्टेबल ट्यूमर्स, इसमें हमारे पास एंडोमेट्रियॉइड टाइप आती है, एंड जो कॉपी नंबर हाई विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिरस लाइक ट्यूमर्स, इसमें हमारे पास सिरस वाली टाइप आती है। तो अब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियॉइड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की। सबसे पहले एज ए स्टेटेड बिफोर के मोस्ट कॉमन है, 80 to 85% फीमेल में देखा जाता है। दीज आर यूजली वेल डिफ्रेंशिएटेड एंड दे मिमिक द प्रोलीफरेटिव एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, क्योंकि मैंने यही कहा था कि इसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छी होती है, इसमें ज़्यादातर देखेंगे दे आर यूजली वेल डिफ्रेंशिएटेड, और यही इन्होंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी दिखाया हुआ है कि ज़्यादातर उस किसको मिमिक कर रहे होते हैं कि जो एंडोमेट्रियल के ग्लैंड है उन्हीं मिमिक कर रहे होते हैं। और इसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे जो एडिनो कार्सिनोमा होता है वो उसमें ज़्यादातर देखा जाता है। एंड इसकी रिस्क फैक्टर जो है वो सारे मैंने बता दी, जो बेसिकली एंडोमेट्रियल एटिपिकल हाइपरप्लेसिया के थे, और प्रिकर्सर लीजन भी याद रखना है कि इट इज़ एंडोमेट्रियल एटिपिकल हाइपरप्लेसिया। एंड सिंस वी स्टडी बिफोर के एंडोमेट्रियल एटिपिकल हाइपरप्लेसिया में मैंने एक जीन बताई थी जिसकी म्यूटेशन हो रही होती है, विच वॉज इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर P10 की म्यूटेशन। P10 की म्यूटेशन ही बेसिकली एटिपिकल हाइपरप्लेसिया में भी हमको मिलती थी, और P10 की म्यूटेशन ही याद रखना है कि वो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम अगर हम सिग्नल में जाएँ तो जो P10 की म्यूटेशन होती है इट लीड्स टू ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द PI3K AKT पाथवे, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जब PI3K AKT पाथवे बढ़ता है तो एज अ रिजल्ट जो एक्सप्रेशन होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर का, एस्ट्रोजन रिसेप्टर की डिपेंडेंट टारगेट जीन्स का,
एंडोमेट्रियल सेल्स में उनका एक्सप्रेशन ऑगमेंट हो जाता है, उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है कि एज अ रिजल्ट एस्ट्रोजन, एक तो हमें पता है कि जो एस्ट्रोजन है उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई भी है एंडोजीनियसली या एक्सोजीनियसली हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से। दूसरा क्या होता है कि पीएचटी के एकेटी सिग्नलिंग पाथवेज क्या कराते हैं, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उनकी फर्दर एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमको ये वाली जो है टाइप है वो ज़्यादा इसमें मिलती है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में हमको यही मिलती है। तो जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशंस होती हैं दे आर लिंक्ड टू द पीएचटी के एकेटी पाथवे इन योर एंडोमेट्रियल एंड एंडो इन योर एंडोमेट्रॉइड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड दीज आर एंड दिस इज ऑल्सो द हॉलमार्क ऑफ दिस टाइप ऑफ कैंसर। सबसे कॉमन कौन सी मिलती है जो जिसका नाम हर हाल में याद रखना, मैंने पीछे भी बताया था कि 30-80% ऑफ द टाइम को P10 की म्यूटेशन मिलती है। फिर उसके बाद हमको 40% ऑफ द ट्यूमर्स में PIK3CA की के कहते हैं म्यूटेशन मिलती है। PIK3CA इज बेसिकली एन ऑन्कोजीन विच इनकोड्स द कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ PI3K। हमको म्यूटेशंस मिलती हैं, एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस मिलती हैं KRAS के, KRAS का भी हमने पढ़ा था 3rd ईयर में कि डाउन द स्ट्रीम वो क्या कराता है PI3K के AKT पाथवेज को बढ़ाता है, 25% केसेस में ही मिलती हैं। हमको ARID1A की लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मिलती है विच इज़ बेसिकली अ रेगुलेटर ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, ये भी क्या कराते हैं कि इसका भी डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग यही होता है कि जो PI3K के AKT सिग्नलिंग पाथवे होते हैं उनमें ये कुछ ये कहते हैं जीन्स का एक्सप्रेशन जो है उसको प्रोंकोजेनिक में कन्वर्ट कर देता है, उन जीन्स के एक्सप्रेशन को जो विच आर बेसिकली मीडिएटिंग द PI3K के AKT सिग्नलिंग पाथवे। ये सारी जीन्स थी। उसके बाद जो फिर दूसरी उन्होंने जीन्स बताई हुई, दीज जीन्स बेसिकली आर लिंक्ड टू द म्यूटेटेड फिनोटाइप के, इन जीन्स की अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर ज़्यादा हम ज़्यादा तरह की बेसिकली म्यूटेशन हैं उनको एक्वायर करने लग जाते हैं विच आर ऑल्सो लिंक टू द एक्विजिशन ऑफ द म्यूटेशन इन ऑनको जीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये जो DNA मिसमैच रिपेयर की जीन्स होती हैं ये भी 20% केसेज में देखी जाती हैं। ये अब जो DNA मिसमैच रिपेयर वाली जो जीन्स होती हैं उनकी जो वो होती है म्यूटेशन होती है 20% ऑफ द टाइम ये होता है कि अगर कोई स्पोरेडिकली ट्यूमर अराइज कर जाए एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियल का। और कभी कभी क्या होता है कि हमने एक और डिजीज़ पढ़ी थी लिंच सिंड्रोम विच वॉज और HNPCC, उसमें हमने देखा था ज़्यादातर DNA मिसमैच रिपेयर जीन्स का ही डिफेक्ट आ रहा था। तो इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड कि वो वुमेन जिनको लिंच सिंड्रोम हो दे हैव अ हाई चांस ऑफ के कहते हैं या दे हैव हाई प्रेवलेंस ऑफ गेटिंग एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप 1। देन हमारे पास आ जाती है जिसमें स्मॉल सबसेट आ जाता है, उसमें एक तो ये आ गया कि कहते हैं जो मैंने पीछे बताया था कि DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन की कोई वो हो जाए डिस्ट्रप्शन हो जाए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद ना हो तो कोई बात नहीं। और बहुत एडवांस केसेस में हमको फिर ये मिलता है कि 50% ऑफ द टाइम हमको अगर पुअरली डिफरेंशिएटेड हो जाए वो कार्सिनोमा, ज़्यादातर तो वेल डिफरेंशिएटेड मिल रहा था, लेकिन अगर पुअरली डिफरेंशिएटेड मिल जाए देन हमको लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मिलती है TP53 में, लेकिन ये काफ़ी एडवांस स्टेज में मिलती है। अगर TP53 एंडोमेट्रॉइड के लिए नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। जो बाकी मैंने पीछे ये 5 जीन्स बताई हैं P10 ARID1A PIK3CA KRAS एंड MSI, इनका नाम हर हाल में याद रख लेना। अब हम आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी में। जो ये एंडोमेट्रॉइड टाइप के कार्सिनोमास होते हैं दीज आर यूजली लोकलाइज्ड एज अ पॉलीप्लॉइड मैस और दे मे बी डिफ्यूजली इन्वॉल्विंग द एंडोमेट्रियल लैमिंग। इनका स्प्रेड किस तरह होता है, मायोमेट्रियम में ये इन्वेड करते हैं, फिर वहाँ से इनकी डायरेक्ट एक्सटेंशन होती है टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। और सबसे पहले इनका क्या देखा जाता है, जो यूट्रस का ब्रॉड लिगमेंट होता है उसको इन्वेड करते हैं, वहाँ पे वो एक ऐसा पैल्पेबल मैस भी बना देते हैं। एंड ये देखा गया कि इवेंचुअली ये क्या कराते हैं कि दे डिसमिनेट इनटू द रीजनल लिम्फ नोड्स एंड इन क्या कहते हैं लेट स्टेजेस दे माइट इवन लीड टू डिस्टेंट मेटास्टेटिक स्प्रेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लंग्स लिवर एंड बोन्स। इसकी जो हिस्टोलॉजिकल टाइप जो मोस्ट कॉमन देखी जाती है स्क्वामस भी देखी स्क्वामस नहीं देखी जाती स्क्वामस से 20% केसेज में देखी जाती है। जो मोस्ट कॉमन देखी जाती है जिसका नाम याद रखना है वो है एडीनोकार्सिनोमा, एज द एडीनोकार्सिनोमा नेम सजेस्ट के इसमें हमको ग्लैंडुलर पैटर्न मिल रहा होता है। और हमने इसको 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है, हमें पता है एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स होते हैं, एडीनोकार्सिनोमा इसलिए होते हैं क्योंकि वो ग्लैंड्स की प्रोलीफरेशन बेसिकली बढ़ चुकी होती है, तो वो ग्लैंडुलर पैटर्न हमको ज़्यादा क्या कहते हैं इसमें मिल रहा होता है। 3 तरह की हमने ग्रेडिंग की हुई है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 इज़ योर वेल डिफरेंशिएटेड, ग्रेड 2 इज़ मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एंड ग्रेड 3 इज़ पुअरली डिफरेंशिएटेड। ये याद रखना है कि ग्रेड 1 विच इज़ वेल डिफरेंशिएटेड इसमें हमको लेस देन 5% सॉलिड ट्यूमर मिलेगा। ये ग्रेड 1 दिखाया हुआ है कि इसमें हमको कितने ईजिली वेल डिफरेंशिएटेड ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं, इसमें जो स्ट्रोमा होगा वो कम होगा लेकिन जो सॉलिड ट्यूमर्स मिल रहा होगा उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट वुड बी लेस देन 5%। फिर हमारे पास आता है ग्रेड 2 विच इज़ मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, इसमें भी हमको वेल फॉर्म ग्लैंड्स मिलेंगे लेकिन इसमें जो हमको सॉलिड ट्यूमर की कॉन्सेंट्रेशन होगी जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है ग्रेड 2 की मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड में याद रखना है हमको 5-50% के दरमियान सॉलिड ट्यूमर्स मिलेंगे और जो जितना बाकी सारा जो होगा ट्यूमर जो होगा दैट वुड बी हैविंग ग्लैंडुलर पैटर्न।
एंड जो लास्ट हमारी ग्रेड होते हैं विच इज़ ग्रेड थ्री, जो कि पुअरली डिफरेंशिएटेड है, इसमें याद रखना है कि देर इज ग्रेटर देन 50% सॉलिड ग्रोथ के, बेसिकली जो सॉलिड ट्यूमर मिल रहा होता है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो मोर देन 50% हमको इसमें मिल रही होती है, जो कि उन्होंने यहाँ पर फिगर दिखाई दी है। तो एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, ग्रेड वन वेल डिफरेंशिएटेड लेस देन 5% सॉलिड ट्यूमर्स, ग्रेड टू मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड बिटवीन 5 to 50% सॉलिड ट्यूमर, एंड ग्रेड थ्री पुअरली डिफरेंशिएटेड मोर देन 50% सॉलिड ट्यूमर, या सॉलिड ट्यूमर लाइक सेल्स हमको मिल रहे होते हैं अरेंज इन शीट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि हाउ डू वी बेसिकली डिस्टिंग्विश द एटिपिकल हाइपरप्लेजिया फ्रॉम द वेल डिफरेंशिएटेड टाइप। हम जिस तरह देख सकते हैं कि जो एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है और वेल डिफरेंशिएटेड जो ग्लैंड है उनकी ऑलमोस्ट मॉर्फोलॉजी एक जैसी लग रही है, तो अब इसको डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, इसको डिफरेंशिएट बेसिकली इस तरह करते हैं कि होता क्या है, जो हमारे पास वेल डिफरेंशिएटेड जो ट्यूमर होता है उसमें हमको डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा मिलता है और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल ग्रोथ पैटर्न्स मिल रहे होते हैं। देन उन्होंने अलग से बताया हुआ, हमने अभी पीछे पढ़ा था, मैंने बताया था कि कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं एंडोमेट्रॉइड टाइप के जिनमें वही डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन की म्यूटेशन आई हुई होती है, एंड कुछ इस तरह होते हैं जिनमें डीएनए मिसमैच रिपेयर की क्या कहते हैं म्यूटेशन आई हुई होती हैं। तो वो ट्यूमर्स जिनमें ये दो तरह की म्यूटेशन आई हुई हों उनमें देखा जाता है कि उनमें लार्ज नंबर ऑफ इन्फिल्ट्रेटिंग टी सेल्स आर सीन, लार्ज नंबर ऑफ इन्फिल्ट्रेटिंग टी सेल्स आर सीन ऑन दोज टाइप ऑफ ट्यूमर, एंड ये इसलिए हमको इन्फिल्ट्रेटिंग टी सेल्स मिलते हैं क्योंकि बेसिकली ये सस्पेक्ट किया गया है कि जब इस तरह की म्यूटेशंस अराइज करती हैं कि लेट्स सपोज पॉलीमरेज एप्सिलॉन की म्यूटेशन हो गई या मिसमैच रिपेयर जीन्स की म्यूटेशन हो गई, तो उस केस में होता है कि डिफरेंट तरह के नियो एंटीजेंस बनते हैं, एंड इन नियो एंटीजेंस के खिलाफ जो इम्यूनिटी है वो वर्क करती है, लेकिन वो जो होस्ट रिस्पॉन्स होता है वो यूजली इनफेक्टिव होता है, इसलिए हमको जो टी सेल्स मिलते हैं वो बस बीच में इन्फिल्ट्रेट करते हुए नज़र आते हैं। फिर मैंने बता दिया था कि 20% होता है हमको कभी कभी जो हिस्टोलॉजिकल टाइप सब टाइप मिलती है वो स्कॉमस की मिलती है, लेकिन एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा के केस में जो हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो एडिनो कार्सिनोमा याद रखनी, स्कॉमस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट वॉज एंडोमेट्रॉइड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। अब हम आते हैं स्कॉमस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा पे। स्कॉमस का हमने पीछे पढ़ लिया था कि ये कहते हैं जो टेबल से मैंने चीज़ें बताई थी कि ज़्यादातर उन वुमेन में होते हैं हु आर बिटवीन 65 to 65, इसके जो वो थे रिस्क फैक्टर से देवर वेरी डिफरेंट टू टाइप वन, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि इट इज़ यूजली अराइजेस इन द सेटिंग ऑफ एंडोमेट्रियल एट्रोफी, एंड इसमें क्या होता है इनको हम टाइप टू कहते हैं। इसमें बेसिकली होता है कि एक तो जो इनकी वो है कि कितने कॉमन होते हैं, काफ़ी कम कॉमन होते हैं, 15% ऑफ टाइम देखे जाते हैं। इसमें बेसिकली होता है कि इनकी प्रोग्नोसिस काफ़ी वर्स होती है, क्योंकि जब भी ये डायग्नोस होते हैं दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज पुअरली डिफरेंशिएटेड, इनको हम ग्रेड थ्री देते हैं कि दे आर ऑलवेज पुअरली डिफरेंशिएटेड। एंड पैथोजेनेसिस क्या देखी गई है, पैथोजेनेसिस के लिए मैंने कहा था कि एक जीन का नाम हर हाल में याद रखना है, देयर इज बेसिकली डिस्ट्रप्टिव म्यूटेशन इन द TP53 ट्यूमर सप्रेसेंट जीन, कि 90% ऑफ द ट्यूमर्स में एंड नॉट इन जस्ट ट्यूमर्स हमको जो इसका प्रिकर्सर लीजन होता है विच इज़ योर EIC विच वॉज नोन एज एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा, उसमें भी हमको P53 की म्यूटेशन नज़र आ रही होती है, कि हमको क्या मिलती है देयर इज मिससेंस म्यूटेशन एंड वी कैन ऑल्सो सी एकुमुलेशन ऑफ ऑल्टर्ड P53 प्रोटीन्स। या उन्होंने फिगर्स में दिखाई हुई, ये इन्होंने फिगर दिखाई हुई है उसकी एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा की और ये सीरस टाइप कार्सिनोमा की, और दोनों में हम देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर फिर उन्होंने जो P53 की वो मार्कर होता है उससे स्टेनिंग की हुई है, हमको जो प्रिकर्सर है उसमें भी P53 के स्टेन नज़र आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक, एंड जब कार्सिनोमा हो गया उसमें भी हमको P53 के ऑल्टर्ड प्रोटीन्स के हमको स्टेन नज़र आ रहे हैं, कि मतलब P53 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सीरस टाइप कार्सिनोमा। और अलग से इन्होंने ये बताया हुआ कि देर इज ऑल्सो क्रोमोजोमल इंस्टेबिलिटी सीन, एंड इसमें हमको जो न्यूमरस कॉपी नंबर ऑल्ट्रेशन मिलती है, हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें हमको जो सब टाइप जो हमने पढ़ी थी मोलिकुलर्स की वो हमने पढ़ी थी कि कॉपी नंबर हाई सब टाइप इसमें बेसिकली मिल रही होती है। एंड ये अराइज कहाँ से करता है, इसमें याद रखना है कि इट अराइजेस फ्रॉम द सर्फेस, ये जो उन्होंने स्कीमिक डायग्राम बनाया हुआ है कि ये एट्रोफी हुई होगी एंडोमेट्रियम की, अनलाइक एंडोमेट्रॉइड्स में कोई प्रोलिफरेशन नहीं होगी एंड एट्रोफी होगी, एट्रोफी से पहले प्रिकर्सर लीजन बना विच इज एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा, और फिर वहाँ से सीरियस कार्सिनोमा अराइज करेगा। मेन इज TP53, बाकी प्रोटीन्स अगर नाम याद होगा तो ठीक है, नहीं भी याद हो तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कि यही चीज़ उन्होंने बात की थी कि इट अराइजेस फ्रॉम द सर्फेस एपिथेलियल सेल्स, इट इज़ अ सर्फेस एपिथेलियल न्यूप्लाज्म दैट देन एक्सटेंड्स इनटू एडजेसेंट ग्लैंड्स एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स एंड देन इट लेटर ऑन इनवेड्स द एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा। इसमें देखा गया कि ये वाले जो ट्यूमर्स होते हैं अनलाइक योर प्रीवियस ट्यूमर्स ये लिम्फेटिक से स्प्रेड नहीं हो रहे थे, ज़्यादातर ये पेरिटोनियल सर्फेसिस के थ्रू या थ्रू द फिलोपियन ट्यूब्स यहाँ से ये बेसिकली स्प्रेड कर रहे होते हैं। एंड इसका ये मैंने बताया कि इसकी प्रोग्नोसिस बुरी इसलिए होती है क्योंकि यूजली एट द टाइम ऑफ देयर डायग्नोसिस दे हैव स्प्रेड आउटसाइड द यूट्रस, तो इसलिए इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो काफ़ी बुरी
होती है, हम इसकी अगर मोर्फोलॉजी पढ़ें तो वही चीज़ लिखी हुई है कि इट अराइजेज इन द स्मॉल एट्रोफिक यूट्राई, इट प्रेजेंट्स एज ऑफन लार्ज बल्कि ट्यूमर्स एंड डीप और डीपली इन्वेसिव इन टू द माइमीट्रियम, प्रिकर्सल लीजन इज सिरस एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा विच कंसिस्ट ऑफ बेसिकली सारे वही हमको जो मेलेग्नेंसी के पैटर्न्स एक होते थे कि इट कंसिस्ट ऑफ मेलेग्नेंट सेल्स आइडेंटिकल टू दोज ऑफ सीरस कार्सिनोमास एंड आर कन्फाइंड टू एपिथेलियल सर्फिस के। हाँ, इसमें बेसिकली डिफरेंस एक ये बताया हुआ है कि जो इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा है जो प्रिकर्सल लीजन है एंड जो मेन सीरस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है उनमें जो सेल की मॉर्फोलॉजी है वो वही वाली मिलेगी जो मेलेग्नेंट पैटर्न होता है कि हमको मार्क साइटोलॉजिक एटिपिया मिलता है, हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो मिलती है, एटिपिकल माइटोटिक फिगर्स मिलती है, हाइपरक्रोमेसिया मिलते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई मिलते हैं जो हमने सारा थर्ड उसमें ईयर में पढ़ा था। ये दोनों चीज़ें हमको मिल रही होती हैं प्रिकर्सल लीजन में भी और कार्सिनोमा में भी। बस डिफरेंस ये होता है कि जो प्रिकर्सल लीजन होता है उसमें जो मेलेग्नेंट टाइप होती है, जो मेलेग्नेंट सेल्स होते हैं, दे आर यूजली कन्फाइंड टू द एपिथेलियल सर्फेस, वेयर एज जब कार्सिनोमा हो जाता है तो दे हैव इन्वेडेड डाउन टू द क्या कहते हैं जो आसपास के स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ तक, एंड जो ऑब्वियसली नीचे हमारा जो स्ट्रोमा होता है एंडोमेट्रियम का वहाँ तक इन मेलिग्नेंट सेल्स ने बेसिकली इन्वेड कर लिया होता है सेल वे मार्कोटोन्यूक्लिया। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि ये जो पैटर्न होता है इट कुड बी ग्लैंडुलर ग्रोथ पैटर्न और इट कुड बी आइदर पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न। अब इसको हम अगर इसका ग्लैंडुलर ग्रोथ पैटर्न हुआ तो हम इसको एंडोमेट्रॉइड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो एंडोमेट्रॉइड था उसमें भी हमें ग्लैंडुलर पैटर्न मिल रहा था, उसमें भी क्या कहते हैं 80% ऑफ द टाइम मैंने बताया था कि एडीनो कार्सिनोमा ही था। तो हम सिरस कार्सिनोमा विच इज ऑफ ग्लैंडुलर पैटर्न उसको हम एंडोमेट्रॉइड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा से इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हमको जो सिरस वाला जो होगा ट्यूमर यानी जो टाइप 2 ट्यूमर होगा उसमें हमको मार्क्ड साइटोलॉजिक एटिपिया मिलेगा, वेयर एज जो टाइप 1 वाला ट्यूमर था विच वॉज एंडोमेट्रियल ट्यूमर उसमें हमको साइटोलॉजिक एटिपिया नहीं मिलता। ग्रेड इसका याद रखना है, हर हाल में इसका ग्रेड 3 मिलता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द आर्किटेक्चरल पैटर्न के वेदर वो पेपिलरी है या वेदर वो ग्लैंडुलर है, हमेशा पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। और मैंने इसकी जो वो होती है इन्वेजन की जो रूट्स हैं वो मैंने बता दी थी कि या ज़्यादातर पेरिटोनियम के थ्रू या फिलोपियन ट्यूब्स के थ्रू ये इन्वेड करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आ जाएँ, सो दीज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास दे आर मोस्टली अनकॉमन इन वुमन यंगर देन 40 ईयर्स ऑफ एज। यूजली इनका पीक इंसिडेंस कब देखा जाता है, उन दोज पोस्ट मेनोपॉजल वुमन जो कि 55 to 65 ईयर्स की हो, जिसमें टाइप 1 का देखा जाता है, और टाइप 2 वाली में हमको जो एज ग्रुप मिलती है वो 65 to 75 की मिलती है। दे आर एसिम्टोमेटिक फॉर अ पीरियड, लेकिन ज़्यादातर फीमेल प्रेजेंट किस तरह करती है, मेन कंप्लेन के साथ क्या होती है कि उसको इरेगुलर या पोस्ट मेनोपॉजल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है, एंड दिस पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज बेसिकली विच लीड्स टू द अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द क्या कहते हैं ट्यूमर। जो एंडोमेट्रियल ट्यूमर होते हैं उसमें यह है कि हमको ज़रूरी है कि हम डीएनए मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें ताकि हम अगर तो फीमेल को लिंच सिंड्रोम हो उसको बेसिकली कोलोन कार्सिनोमा के केस से बचा सकें। प्रोग्नोसिस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो वही कि एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस उसकी स्टेज क्या थी, दूसरा उसका वही कि हिस्टोलॉजिकल ग्रेड क्या था एंड हिस्टोलॉजिकल सब टाइप क्या थी। अब जो उसकी स्टेजिंग होती है इन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास की, वेदर टाइप 1 और टाइप 2, इस स्टेजिंग का नाम इज़ बेसिकली फीगो FIGO, फीगो स्टेजिंग होती है। एंड स्टेजिंग को हमने रखा हुआ कैसे, कि स्टेज 1 में क्या होगा, वो जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है दैट वुड बी कन्फाइंड टू द कॉर्पस यूट्राई, मतलब वो अभी सिर्फ यूट्रस तक ही कन्फाइंड होगा स्टेज 1 में। स्टेज 2 में क्या करेगा कि स्टेज 2 में भी वो यूट्रस तक कन्फाइंड होगा लेकिन उसने साथ साथ सर्विक्स को इन्वेड कर दिया होगा। स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में ये होगा कि इट हैज़ एक्सटेंडेड आउटसाइड द यूट्रस बट नॉट आउटसाइड द ट्रू पेल्विस की, बेसिकली यहाँ पे लोकल और रीजनल स्प्रेड हो रहा होगा। एंड देन स्टेज 4 में क्या होगा, स्टेज 4 में हमको डिस्टेंट मेटास्टेसिस मिलेगा कि इट हैज़ एक्सटेंडेड आउटसाइड द थ्रू पेल्विस एंड इट हैज़ इन्वॉल्व द म्यूकोसा ऑफ ब्लैडर और द रेक्टम। एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, स्टेज 1 में जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इट इज़ कन्फाइंड टू यूट्रस, स्टेज 2 में इट इज़ कन्फाइंड टू यूट्रस बट इट हैज़ इन्वेडेड सर्विक्स, स्टेज 3 में लोकल या रीजनल स्प्रेड मिल रहा है, एंड स्टेज 4 में हमको डिस्टेंट मेटास्टेसिस मिल रहा है। और ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए इनको याद कर लेना है। अब जिसकी प्रोग्नोसिस है जो कि मेन बेसिकली चीज़ है, जो 5 ईयर सर्वाइवल डेट है वो याद करना है। ये देखा गया है कि ज़्यादातर 80% ऑफ द टाइम हमने, क्योंकि हमने उनकी कॉमन वो पढ़ ली थी कि कॉमन टाइप कौन सी थी,
जो एंडोमेट्रॉयड कैं जो अभी हम सबसे पहले एंडोमेट्रॉयड कैंसर्स की प्रोग्नोसिस पढ़ेंगे, एंडोमेट्रॉयड कैंसर्स का ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एट द स्टेज वन, कि वही कॉन्फाइंड टू यूट्रस, एंड दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड और दे आर समटाइम्स मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड। एंड इसको हम ट्रीट किस तरह करते हैं, स्टेज वन वेल डिफ्रेंशिएटेड, स्टेज वन मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड को हम ट्रीट बेसिकली या तो सर्जरी के थ्रू करते हैं या कभी कभी सर्जरी के साथ हम इरेडिएशन दे देते हैं। एंड इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट क्या है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ 90% फॉर स्टेज वन एंड ग्रेड वन और टू। ग्रेड वन और टू इज़ बेसिकली यू आर वेल डिफ्रेंशिएटेड एंड मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड। ग्रेड वन वॉज वेल, ग्रेड टू वॉज मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड एंड ग्रेड थ्री वॉज पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। मैंने शायद ये पीछे बताया नहीं था। तो खैर, स्टेज वन एंड ग्रेड वन स्लैश टू, इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ 90%। स्टेज वन और ग्रेड थ्री यानी कि कन्फाइंड टू यूट्रस बट पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, स्टेज वन और ग्रेड थ्री का जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है वो 75% है। एंड स्टेज टू और स्टेज थ्री यानी कि ये जो दो स्टेजेस हैं इनका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड, इनका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है दैट इज़ लेस देन 50%। तो ये थी टाइप वन वाली एंडोमेट्रॉयड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की प्रोग्नोसिस। स्टेज वन की क्या थी, स्टेज वन ग्रेड वन स्लैश टू की थी 90%, स्टेज वन ग्रेड थ्री की थी 75%, एंड स्टेज टू एंड स्टेज थ्री की थी लेस देन 50%। अब अगर हम सीरस टाइप पे हैं तो सीरस टाइप का मैंने बताया था कि उसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी बुरी होती है, एंड यूजली एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस वो एक्स्ट्रा यूट्राइन साइड्स तक क्या कहते हैं बेसिकली इन्वेट कर चुका होता है। तो जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है सीरस टाइप का दैट इज़ 18% टू 27%, और कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि इट इज़ लेस देन 35%, लेकिन इसका मेन याद रखना है कि इट इज़ 18% टू 27%, और इसमें हमको ज़्यादातर ग्रेड थ्री मिल रहा होता है। एंड ये भी लिखा गया कि ये जो सीरियस टाइप का कैंसर होता है इट कैन रीअकर, एंड इसका जो रिकरेंस रेट है वो काफ़ी हाई है, वो 80% देखा जाता है। एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमास जो बेसिकली के कहते हैं अगर तो उनका स्टेज थ्री तक वो पहुंच गए तो हम उनको कीमोथेरेपी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, वेरस जो सीरियस कार्सिनोमा होते हैं सीरियस कार्सिनोमा को हमेशा कीमोथेरेपी से ट्रीट करना होगा। इवन अगर हमको नहीं मिल रहा उनका क्या कहते हैं डिटेक्टेबल एक्स्ट्रा यूट्राइन स्पैड ना भी मिल रहा तब भी हमने उनको कीमोथेरेपी के थ्रू ही ट्रीट करना होगा जो हमारे पास वो वाले होते हैं सीरस टाइप कार्सिनोमास होते हैं। लास्ट इन्होंने पैराग्राफ में ही बताया हुआ कि आजकल अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ कैंसर, वी माइट क्या कहते हैं इन नियर फ्यूचर डेवलप इनहिबिटर्स ऑफ पी एच के एकेटी पाथवे और डेवलप सम इनहिबिटर्स ऑफ कहते हैं इम्यूनो वी माइट सम डेवलप डिफरेंट इम्यूनो चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू द टाइप वन एंड टाइप टू ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। आई होप ईजिली समझ में आ गया हो। इसका टेबल अच्छे से याद रख लेना है, इनकी जेनेसिस का पता होना चाहिए एंड इनकी जो ग्रेडिंग एंड जो स्टेजिंग है स्पेशली जो प्रोग्नोसिस है उसका अच्छे से पता होना चाहिए। सो दैट वॉज ऑल, थैंक यू।